शादी के बाद तलाक के मामले अब बेहद आम होने लगे हैं। तमाम ऐसी मशहूर शख्सियतें हैं जिनका अपने पार्टनर से तलाक हो गया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने पति या पत्नी से तलाक लेकर अलग हो चुके हैं। आइए जानें ऐसी ही 5 भोजपुरी अभिनेत्रियों के बारे में जिनका उनके पति से शादी के कुछ समय बाद ही तलाक हो गया है। भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने एक्टर यश मिश्रा से लव मैरिज की थी, हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। दोनों ने अपनी आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया था। यश कुमार मिश्रा भोजपुरी फिल्म के जाने माने सितारे हैं। उन्होंने एक साथ बहुत सी हिट फिल्में दी हैं। यश कुमार ने अपनी मेहनत और एक्टिंग के दम पर बहुत ही नाम कमाया है, पर जहां उनका फिल्मी सफर सही रहा, वहीं उनको निजी जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खबर ये भी है कि यश और भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा जल्द ही शादी करने वाले हैं। अंजना और यश जी की एक बेटी भी है। पाखी हेगड़े भोजपुरी फिल्मों में बहुत कम ही नजर आती हैं। दरअसल वे एक्टिंग के अलावा बतौर प्रोड्यूसर और फाइनेंस के क्षेत्र में कदम रख चुकी हैं। पाखी शादीशुदा हैं और उनका पति से तलाक हो चुका है। वो 2 बच्चों की माँ हैं। अपने 2 बच्चों के साथ पाखी मुंबई में रहती हैं। पाखी जी को पहले बहुत से मीडिया वेबसाइट और चैनल से जुबली स्टार निरहुआ की रियल पत्नी का टैग दे दिया गया था। बाद में ये साफ हुआ कि निरहुआ की बीवी वो नहीं बल्कि मनसा देवी हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस अलीना शेख ने मुदस्सर से लव मैरिज की थी। शादी के एक साल बाद पति ने एक तलाकनामा भेजा जिसमें 3 बार तलाक 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 लिखा था। उस समय वह तलाकनामा अवैध करार हुआ। उसके कुछ समय बाद 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मुदस्सर ने अलीना को तलाकनामा भेजा और उनसे अलग हो गए। भोजपुरी स्टार रश्मि देसाई को टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने 12 फरवरी 2012 को धौलपुर में अपने सह अभिनेता नंदीश संधु से शादी की। 2014 में वे अलग हो गए और 2015 में इस जोड़े ने शादी के लगभग 4 साल बाद तलाक के लिए अर्जी दी। उसने आरोप लगाया कि नंदीश ने 3 साल तक उसका अपमान किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। रश्मि को मुख्य रूप से दूल्हा बाबू, गब्बर सिंह, हम बाल ब्रह्मचारी, तू कन्या कुमारी, कब हो गया गौना हमार और पप्पू के प्यार हो गैल जैसी भोजपुरी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने भी भोजपुरी की कई फिल्मों में काम किया है। अपनी अदाकारी से यूपी बिहार का दिल लूटने वाली श्वेता अपने साथ काम करने वाले एक्टर अभिनव कोहली पर दिल हार बैठी थी। 2013 में दोनों ने शादी की, फिर साल 2019 में दोनों ने अलग होने का फैसला भी कर लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये लेटेस्ट न्यूज पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमें ये भी बताएं कि इनमें से किस स्टार की जोड़ी आपकी फेवरेट थी।